मिशन और मिशनरी इन चीज़ों के ऊपर उठना पड़ेगा, तब चीज़ें जाती हैं। मिशन हासिल हो गया, चीज़ें फिर वैसी शुरू हो जाती, मिशनरीज में कन्वर्जन हो गया, फिर चीज़ें वैसी ही होती हैं, उससे कोई हासिल नहीं होता है। समस्या गंदगी की क्यों है, इसकी तह पे जाना पड़ेगा, तब शायद चीज़ें समझ में आए। कुछ एक पुरानी घटना हम तुमको सुनाते हैं, 1940 के आसपास की, जो हमारे ही परिवार में और एक पड़ोस के परिवार में बीती, शायद चीज़ें क्लियर हो। मेरी नानी करीब 28-30 साल में मेरे नाना जी की डेथ हुई, तो घर में रही, और नानी के दो देवर जेठ जो भी थे वो थे, तो मायके नहीं जाते, वहीं रहे। तो अब मम्मी के फादर नहीं रहे और वो क्या काम लेंगे घर में, कुछ काम। तो उन्होंने कहा कि देखो, दो काम हम ले लेते हैं जो हम परमानेंट करेंगे। और शुरू में तो पूरी जवाबदारी जैसे कर रही थी वो सबसे बड़ी थी, तो खाना बनाना, सफाई करना, पूजा करना, ये सब चल। फिर एक छोटे देवर की, मतलब मम्मी के चाचा की शादी हुई और वो आई, तब कार के बंटवारे की बात शुरू हुई। तो नानी ने बोला कि देखो, हम एक काम करते हैं कि चौके का काम, जो किचन का काम, ये नई बहू को दे देते हैं, और सफाई का काम और पूजा का काम हम ले लेते हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ। मम्मी की चाची ने ये बोला कि पूजा भी हम कर लेते हैं। बोले देखो, तुम नए नए आए हो, पूजा वूजा में देर सवेर होगी, खाना बनाओ, पूजा हम संभाल। तो नानी बाथरूम की सफाई करना, घर की सफाई करना, फिर अच्छी तरह से स्नान करना, फिर पूजा करना। बीच में एक आध बार हुआ कि पूजा जो दूसरी बहू आई वो करने लगे, लेकिन ये हुआ कि नहीं, पूजा तो बड़ी ताई ही करेंगे, और उनको घर में सब ताई बोलते हैं। पूजा और सफाई का काम दो उन्होंने संभाले, और वो अपने स्वर्गवास के 2-4 साल पहले तक दोनों काम बखूबी से करते रहे। सफाई नाली की, घर की, बाथरूम की, किचन छोड़ के, और पूजा, ये दोनों। उन्हीं के साथ एक दूसरे परिवार में भी ऐसी ही घटना हुई, उन्होंने भी पूजा और बाथरूम का काम संभाला। फिर उनके देवर की शादी हुई और जो बहू आई उसने कहा नहीं, पूजा तो हम संभाले, और जैसे भी हुआ उन्होंने कहा ठीक है, तो वो सिर्फ सफाई का काम करने लगे। इस घर में जो मेरी नानी का है, मान सम्मान बरकरार रहा, बाथरूम की सफाई और पूजा में कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिर्फ स्नान की दिक्कत थी कि हाँ, और स्नान करके तो नानी जाती थी, और बाकी सबको भी बोलती थी कि सफाई से रहो। तो एक जो सफाई करने में हे दृष्टि से देखना और पूजा करने में उच्च दृष्टि समझना, इसमें कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एक ही व्यक्ति का। दूसरे परिवार में वो सफाई करते रहे तो धीरे धीरे कई बार वो सफाई करते करते खुद गंदगी हो जाती है, अब उनको पूजा करना नहीं है, और कभी देर हो गई तो चाय वैसे ही पी ली, या थोड़ा नाश्ता कर लिए, फिर स्नान कर ली, क्योंकि जल्दीबाजी है नहीं पूजा करने की। तो उनको बोलते थोड़ा दूर रहो आप, अभी आपने साफ नहीं है, मंदिर में मत आओ। तो उनकी मंदिरों में आने में थोड़ी रुकावट हुई, किचन में आने में रुकावट हुई, और वो धीरे धीरे सफाई वाली बन गई। उनके जो बच्चे थे वो सफाई वाली के बच्चे हो गए, ये जो पूजा करती थी और चौके का काम करती थी ये बड़ी हो गई। अब जब आप बाथरूम की साफ करती थी नानी, तो कोई उनको छू जाए और फिर पूजा करे तो वो खुद डांटती थी कि साफ रहा करो, अच्छी तरह से बात मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी तब मंदिर जाऊंगी, तुम ऐसे गंदे मत जाया करो। लेकिन वो मंदिर नहीं जाती थी तो उनको दूर रखा गया। और ये जो घटना एक परिवार की, हमारे और एक दूसरे परिवार की, अगर बड़े स्तर पर हो तो सफाई वालों को आपने हे मान लिया, उनको मंदिर में ही जाने से मना कर, तो वो क्यों कर ज़्यादा साफ रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के बाकी चीज़ों में अगर आपने उनको दरकिनार कर दिया है तो घर के बारे में कब तक वो सोचते रहेंगे। फिर जब आपने उनको अलग कर दिया, पूजा में वो जा नहीं रहे हैं, तो सफाई में भी क्यों कर वो पूरा ध्यान दें, क्यों अपनी भी सफाई करेंगे। और जब दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे उनके ही परिवार से टूट गए, एक विरोधाभासी चीज़ें डेवलप हो गई, ये उच्च हो गए वो निम्न हो गए, काम करना है तो नौकरों की तरह, और विद्रोह शुरू हो गया, और
ज्यादा नहीं हुआ तो वो अलग अलग हो गए, टूट गए। हमारा परिवार आज भी मम्मी के चाचा चाची का हम लोग सम्मान करते हैं और वो भी हमको उसी तरह मानते हैं, आना जाना है। और पूजा में और बाथरूम साफ करने में कोई अंतर, दोनों ही जरूरी है और दोनों ही होने चाहिए और एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए दो व्यक्तियों की जरूरत। अगर जमादार मंदिर का पुजारी भी हो तो क्या दिक्कत है, या मंदिर का पुजारी भी बाथरूम की सफाई करे तो क्या दिक्कत है, ये ज़्यादा अच्छा होगा। बाथरूम की सफाई करेगा फिर खुद साफ होगा, मंदिर की पूजा करेगा, अंदर बाहर दोनों की सफाई का एक जीता जागता उदाहरण होगा। एक बाहर की सफाई करता है, एक अंदर की सफाई करता है। अंदर की सफाई वाला बोल रहा है बाहर की सफाई वाला कमजोर है, बाहर की सफाई वाला बोल रहा कि जब तक बाहर की सफाई नहीं हुई अंदर की सफाई का मतलब क्या है। और जब ये बंटवारा होता है तो दोनों अपने ही तरह के काम ढंग से नहीं करते, कालांतर में विरोध और विद्रोह, एक दूसरे को एक अच्छी नज़र से ना देखना शुरुआत होती है और ये लंबे समय में चलती है तो समाज टूटता है। फिर कल के दिन घर पे कोई विरोधाभास में चीज कहे तो वो क्यों घर का सहयोग करेगा जिसको घर में ही हे दृष्टि से देखा जाता है। हम जिस दृष्टि से अपने घर को देखते हैं, मम्मी मम्मी के चाचा चाची या नानी के देवर, वो परिवार तो उनको उस दृष्टि से नहीं देख, और मुख्य रूप से समाज में गड़बड़ी यहाँ हुई। और ये गड़बड़ी इस लेवल पे बढ़ गई कि ना वो अपने काम में उसने इच्छा से कार्य करते हैं, ना वो साफ रहते हैं, मंदिर जाना नहीं है सफाई किस लिए करना, उनको बाथरूम साफ करना नहीं पंडितों, तो आधे काम में पेट बढ़ गए, जबरदस्ती के भाषण शुरू हो गए और समाज टूटने लगा। अब आप चाहे घर वापसी बुलाओ, अरे अपना घर तो ठीक कर लो, और जिस दिन ये ठीक होगा तो बाकी बहुत सारी समस्याएं कहनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप दूर हो, कि सफाई हमारी क्यों अच्छी हो, कैसे अच्छी हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में अपना बाथरूम साफ करते हैं और अपने मंदिर की पूजा करते हैं, ऐसे ही हम समाज में चाहते हैं। एक बड़ा अजीब सा उदाहरण दें कि हम एक भटिंडा में मंदिर के बाहर, थोड़ी जल्दीबाजी थी तो हम मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करने लगे, तो एक सज्जन आए हमारे पास, अरे बोले बाहर से क्यों प्रणाम कर रहे हो, अंदर चलो। मैंने कहा नहीं वो अंदर नहीं जाता हूँ मंदिर, तो बोले बाहर से कैसे है, अंदर चलो। मैंने कहा नहीं देखो हम मंदिर अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही प्रणाम कर लेते हैं, भगवान जी हमारे लिए बाहर ही आते हैं। तो थोड़े हंसे बोले अंदर चलो। मैंने कहा देखो सीधी बात यह है कि जाति की हम जो भी हों लेकिन हम बाथरूम साफ भी करते हैं, हम नाली की सफाई भी, इसलिए मंदिर में लफड़ा ना हो हम नहीं जाते। और उसके बाद वो सज्जन चले गए हमसे नहीं। अगर वो हमसे बोले होते कि तरफ क्या हुआ चलो चलते हैं, उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में सम्मान बढ़ता और मैं मंदिर जाता। जल्दीबाजी कितनी भी रही लेकिन ये समाज का नज़रिया नहीं है। अगर वह कहते तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ गड़बड़ी का मुख्य कारण जो ठीक करना उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है जो अपने को पांडित्यपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण मानते हैं, या जिनको भगवान ने थोड़ी रहमत बख्शी है और वो खाते पीते हैं, उनके साथ भी दुर्घटना। और जो पीछे छूट गए तो एक पीढ़ी में हुआ क्या है, हम अपना घर क्यों तोड़ें, हम अपने घर में मंदिर रखें, अपने मंदिर बनाए, अपनी पूजा करें, तुम रखो अपने मंदिर अपने पास। वो हमको नहीं पूछते इसलिए हम घर तोड़ देंगे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो तीसरा देखेगा हमारा घर टूटा देख के हमारी मस्ती उड़ाएगा, हम पे शासन कराने की कोशिश। और तीसरे मुल्कों में जितने आक्रमण हुए वो इसी टूट का फायदा लेके हुए। तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर को बचाए रखें। जब घर बचाए रखेंगे तो सफाई एक बहुत छोटा सा मुद्दा रह जाए।